हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का जो पहला स्टेप था वो था प्लॉइंग, मिट्टी को तैयार करना, सॉइल को तैयार करना। सेकंड स्टेप था सोइंग, दैट मीन्स हेल्दी सीड्स को बोना। थर्ड स्टेप था एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप है इसका इरीगेशन, दैट इज सिंचाई करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं। और हमारी जो फसल जो हम तैयार कर रहे हैं उसको पानी देना, ठीक है। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल को, क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पे पानी सप्लाई करना, उसे इरिगेशन कहते हैं। एंड व्हाई इरिगेशन इज नेसेसरी? प्लांट्स को क्यों पानी चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व होके वो सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। एज यू नो, हमको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्लांट्स को भी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है। तो पानी जो होता है क्रॉप को फ्रॉस्ट से बचाता है, पर हॉट एयर मतलब गर्म हवाओं से भी बचाते हैं, हॉट एयर करंट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप, और फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, जिससे कि क्रॉप को, फसल को हमारी प्रॉपर पानी मिले, मिट्टी को हमारी, सॉइल को वाटर मिले, सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इरीगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाउ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, मतलब किस समय देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब अलग जिस तरह की फसल होगी उसको, उसके जितना उसको पानी चाहिए उसके हिसाब से उसको पानी दिया जाता है। मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, किस टाइप की मिट्टी, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। एंड सीजन टू सीजन, सीजन पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि समर्स होती है, गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, तो गर्मी में पानी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, तो फसल को, आपको क्रॉप को पानी बार बार देना पड़ता है, एक बार पानी देने से वो इतना इनफ नहीं होता है, ठीक है। विंटर्स में पानी कम चाहिए होता है, रेनी सीजन में तो और भी कम चाहिए होता है, अगर बारिश होती है तो वैसे ही पानी कम चाहिए, ऑलरेडी नेचुरली वाटर सप्लाई हो जाता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, मतलब वाटर की सप्लाई जो है वो प्लांट को कहाँ से मिलती है। सोर्स ऑफ इरीगेशन वेल्स, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, मतलब नहर, इन सब से पानी जो है सप्लाई हो जाता है, मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड, कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है डिफरेंट मेथड्स। तो अब इसमें क्या होता है, कुएं से या तो वेल से या लेक से या फिर कैनाल से ही पानी लिया जाता है, और उसको सप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कैटल एंड ह्यूमन लेबर, मतलब फार्मर को भी ज़रूरत पड़ती है इसमें करने की वाटर सप्लाई के लिए, और कैटल मतलब एनिमल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब कौन से मेथड्स हैं, ये मोट पुली सिस्टम, जैसे ये वाला सिस्टम है आपका फर्स्ट वाला, ये मोट वाला सिस्टम है, ये पुली है, पुली के थ्रू पानी जो है इसके अंदर लिफ्ट अप होता है और फिर फील्ड में सप्लाई होता है। देन नेक्स्ट कौन सा है, चेन पंप। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो ये चेन है, चेन के थ्रू ये पुली रोटेट करता है, ये बकेट है, इसमें से पानी भर के आता है और यहाँ पर देखो सप्लाई हो रहा है, ये फील्ड में जा रहा है। नेक्स्ट है ये ढेकली है, ढेकली में क्या होता है, ये लॉग सा होता है, मतलब लकड़ी का एक पीस होता है, इसके अंदर ये बकेट अटैच होती है इसके अंदर से, और इसके थ्रू पानी भर के आता है और फील्ड में सप्लाई होता है। नेक्स्ट जो है वो रहट सिस्टम है, ठीक है ना, रहट सिस्टम है। देखो आप ये यहाँ पर, ये भी पूरा एक व्हील सी है, इसमें बहुत सारे बकेट्स बनी होती हैं, एनिमल्स की हेल्प से इसको घुमाते हैं, और जब ये इसको घुमाते हैं तो ये व्हील घूमती है और अंदर से बकेट में पानी भर के आता है, जो आके यहाँ पर फील्ड में जो है वो सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं ट्रेडिशनल मेथड्स,
जो पंप्स यूज़ करते हैं, मतलब मोटर वगैरह जो यूज़ करते हैं इसको चलाने के लिए, या तो डीजल यूज़ में आ सकता है, या बायोगैस, या इलेक्ट्रिसिटी, या सोलर एनर्जी। अब मॉडर्न मेथड्स, मतलब जो अभी चल रही हैं, वो तो ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़ी थी, तो मॉडर्न मेथड्स कौन सी हैं? मॉडर्न मेथड में मेन है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो फर्स्ट वाला देखो, ये पिक्चर भी दी बनी हुई है आपकी बुक में, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या, ये कहाँ पर यूज़फुल होता है? जहाँ पर लैंड जो होता है अनइवन होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, ठीक है, जहाँ पर सफिशेंट वाटर, पानी ठीक से सप्लाई नहीं हो जाता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ मोटर लगी है पानी को सप्लाई करने के लिए, और यहाँ से देखो ये मेन वाटर सप्लाई है, यहाँ से पानी आता है। अब इस पाइप के संग में ना, ये देखो ये पाइप अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ये नोजल लगी हुई है। जब पंप को ऑन करते हैं तो पानी यहाँ से आता है, और ये नोजल जो होती है ना, इसमें से पानी जो है पूरा, जैसे छिड़काव होता है ना पानी का, उस तरह से पानी इसमें से निकलता है, ठीक है। और वाटर बहुत एफिशिएंट सिस्टम है ये, ठीक है ना। लॉन्स वगैरह में आपने इसको देखा भी होगा, इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर लॉन्स है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, और बाकी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट होता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप का मतलब क्या होता है? बूंद बूंद करके पानी गिरना, है ना, वही होता है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, पानी जो होता है ना, इसमें वाटर डायरेक्टली क्रॉप के रूट्स तक पहुंचता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, पंप है, इससे पानी सप्लाई होता है, ये यहाँ से मेन वाटर सप्लाई है, पहले तो कुएं से पानी निकल रहा है, ठीक है, मेन वाटर का पाइप है, यहाँ से पानी आएगा। अब यहाँ पर देखो ये बहुत सारे पाइप्स हैं, ठीक है, और यहाँ से पानी जो है वाटर के, मतलब सॉरी, प्लांट्स की जड़ों तक पानी पहुँचता है। और कैसे पहुँचता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके पानी पहुँचता है। वाटर एफिशिएंट है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है इस सिस्टम में, इसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। नो नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स हमने किया हुआ है कि वीड्स कौन से होते हैं, जब हम कोई भी फसल बोते हैं तो वहाँ पर हमारी जो मेन फसल है उसके संग में कुछ ऐसे प्लांट, जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट जो हमको नहीं चाहिए, और जो हमको नहीं चाहिए लेकिन वो हमारी फसल के साथ या हमारे पौधों के साथ, जो हमारे यूजफुल प्लांट हैं उनके साथ वो कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, किस चीज़ के लिए? सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो वो उनसे न्यूट्रिएंट्स को छीनते हैं, तो इसलिए वीड्स को हटाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी वीड्स की। नाउ व्हाट इज वीडिंग? रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाने को ही बोलते हैं वीडिंग, ठीक है। और वीडिंग क्यों ज़रूरी है ये पूरा इस पैराग्राफ में है, मैंने आपको समझा दिया है वाला। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी था कि वीड जो होते हैं क्रॉप की हेल्थ को तो अफेक्ट करते ही हैं, क्योंकि वो हमारे जो मेन फसल वाले जो प्लांट्स होते हैं उनसे उनका खाना छीनते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इसके अलावा वो पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन के लिए, इसलिए भी इनको हटाना जो है वो ज़रूरी है। वॉट आर द वेज ऑफ रिमूविंग वीडिंग, ऑफ डूइंग वीडिंग, कैसे होते हैं, क्या वेज हैं? पहला तो टिलिंग, जिस समय हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं उसी समय बहुत सारे वीड्स जो होते हैं वो कट जाते हैं और सॉइल के अंदर ही मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है मैनुअल रिमूवर, मतलब उसको खुरपी की हेल्प से या हाथ से उसको रिमूव कर देना। थर्ड है सीड ड्रिल की हेल्प से रिमूव कर देना। नेक्स्ट, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनसे वीड्स को, वीड्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, इससे वीड्स मर जाते हैं, और इन केमिकल्स को बोलते हैं वीडिसाइड, ठीक है ना। इसमें एक जो केमिकल है उसका नाम है 2,4-D, ठीक है ना। तो ये डी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, हालांकि आपको करना नहीं है बट आपको ये नाम 2,4-D ये भी याद करना है। इनको स्प्रे कर देते हैं और वीड्स होते हैं इनसे किल कर जाते हैं। स्प्रे करने से पहले इनको पानी के अंदर डाल के इनको डाइल्यूट कर देते हैं, पतला कर देते हैं, ठीक है। नाउ
डू वीडिसाइड, क्या वीडिसाइड का कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है फार्मर्स के ऊपर? यस, हो सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसको मास्क पहनना और हाथों में ग्लव्स पहनना, ठीक है, वो ज़रूरी है, जिससे कि उसके हाथ पे ना लगे, वो उसको इनहेल ना करे, सांस के अंदर ना जाए, क्योंकि कई बार ये गैस की फॉर्म में भी होते हैं जो इनहेल करने से फिर वो नुकसान करते हैं, ठीक है ना। एंड उसको कब वीडिसाइड, कब कब इनको बीड्स को रिमूव करना चाहिए और कब वीडिसाइड स्प्रे करनी चाहिए? बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, मींस कि सीड, बीज बनने से पहले, फ्लावर बनने से पहले उनको उन पे वीड्स के ऊपर केमिकल्स का स्प्रे करना या वीडिसाइड का स्प्रे करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये फुल पैराग्राफ, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो टिल हेयर ओनली विल स्टडी टुडे। थैंक यू।